असलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए 6 मीडियम साइज के आलू जो मैंने बॉईल करके उनको मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधी चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 चाय के चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे किसी भी, 1 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगैनो पाउडर जो है वो ऐड किया है, तो आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, ये ऑप्शनल है। इसके बगैर भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने डो रेडी कर लिया। तो आपने जैसे आटे को भूनते हैं उसी तरह से इसकी डो रेडी करनी है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सर हाथों में चिपक रहा है और पतला है तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और ऐड करें और फिर उसको अच्छी तरह से इसकी डो जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इस डो के जो है छोटे छोटे से जो है बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। एक ही साइज के बॉल्स बनाएंगे सारे। अब ये जो बॉल्स बनाए हैं इसके हम स्टिक बना लेंगे, इस तरह से इसको रोल करेंगे। सारी पोटैटो स्टिक जो है वो आप रेडी कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम पोटैटो स्टिक जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये स्टिक्स के ऊपर जो है बबल से बन जाएंगे और उसकी सारी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको अब लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी पोटैटो स्टिक जो है वो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पोटैटो स्टिक जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।